Hello everyone. Today we are starting the fourth session of the chapter Making of the Global World. इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको प्री मॉडर्न वर्ल्ड 19th सेंचुरी के बारे में बताया है. लास्ट वीडियो में हमने लेट 19th सेंचुरी को डिस्कस किया था. वहाँ पे आए मेजर चेंजेस को हमने देखा था. आज के इस वीडियो में उसी लेट 19th सेंचुरी में आए कुछ और बदलावों को देखेंगे, जैसे कि इंडियन पैनरी एब्रॉड और इंडियन ट्रेडर कॉलोनिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. इंडियन इंटरपैनरी एब्रॉड. जैसे जैसे फूड और क्रॉप्स की डिमांड वर्ल्ड मार्केट में बढ़ने लगी, उसके साथ साथ कैपिटल की डिमांड भी बढ़ने लगी, क्योंकि इतने बड़े प्लांटेशन को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी. ये पेशेंट्स जो थे वो तो स्लेव के द्वारा ला दिए जाते थे, पर ये कैपिटल कैसे लाया जाए, ठीक है, इसके लिए बैंक और मार्केट्स प्लेस से जो बड़ा कैपिटल है वो लाना ज़रूरी था. इसमें भी इंडियन बैंकर्स ने एक अहम रोल निभाया है. आप लोगों ने शिकारपुरी श्रॉफ और नत्थु कोत्तई का नाम सुना ही होगा. ठीक है, ये दो लोग थे जो बहुत से बैंकर्स और ट्रेडर्स जो फाइनेंस किया करते थे एग्रीकल्चर को, खासकर साउथ एशिया में, उनसे ये जुड़े हुए थे. ये लोग या तो फंड मतलब पैसे लगाते थे, या तो अपना पैसा लगाते थे, या तो यूरोपियन बैंक से पैसा उधार लेकर के इंडियन जो बिजनेस और ट्रेड में शामिल उन लोग को दिया करते थे. ओके, इसमें जो मनी है, कई बार मनी के लिए बड़े बड़े लार्ज डिस्टेंस ये ट्रैवल किया करते थे. ठीक है, इसके अलावा इग्निगस फॉर्म्स और कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ करते थे. इंडियन ट्रेडर और जो मनी लेंडर है वो यूरोपियन कॉलोनी जो कि अफ्रीका में बनी थी वहाँ पे भी जाके बस गए थे. खासकर अगर एक तबका बताया जाए तो हैदराबादी जो सिंधी ट्रेडर्स हैं, ठीक है, उन्होंने तो यूरोपियन कॉलोनी में एक अच्छा दबदबा बना के रखा था. 1860 में उन्होंने एक एम्पोरिया बना लिया था एक बिजी पोर्ट में जो वर्ल्ड वाइड फेमस था, जहाँ पर लोकल और इम्पोर्टेड जो गुड्स हैं उसको बेचते थे वहाँ पे गुजरने वाले टूरिस्ट लोगों को. ठीक है, और इस तरीके से ये डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही सेफ और कंफर्टेबल पैसेंजर वेसल्स की तरह था, जहाँ पे इंडियन बैंकर्स ने कदम रखा था. आइए अब हम देख लेते हैं इंडियन ट्रेड कॉलोनाइज्म एंड ग्लोबल सिस्टम. तो हिस्ट्री में जो फाइन कॉटन प्रोडक्ट्स है उसके लिए इंडिया पूरे वर्ल्ड में जाना जाता था. उसके जो प्रोडक्ट्स है वो यूरोप्स की इंडस्ट्रीज में यूरोप में बेचे जाते थे. पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चर जो है वो एक्सपांड होने लगा, और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनके ऊपर प्रेशर बना हुआ था कि वे गवर्नमेंट को ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए इस्टेब्लिश परस्यूट करें जिससे वो अपना बना हुआ मैन्युफैक्चर क्लोथ है वो मार्केट में बेच सके. इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि वे कॉटन जो इंपोर्ट हो रहा है बाहर से, कॉटन को जो इंपोर्ट हो रहा है बाहर से, उन्हें रोक दें ताकि वो लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सके. जो टैरिफ्स हैं मतलब जो टैक्सेस सिस्टम थे वो भी इंपोर्ट किए गए ब्रिटेन में. ठीक है, इसका खास का प्रभाव पड़ा इंडियन कॉटन जो गुड्स थे वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना चालू हो गया. अर्लियर 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने
मैन्युफैक्चरिंग बिगेन किया और उसे ओवरसीज मार्केट में अपने क्लोथ बेचने शुरू कर दिया। एक्सक्लूड फ्रॉम द ब्रिटिश मार्केट बाय टैरिफ बैरियर। तो टैरिफ बैरियर ब्रिटिशर लोगों ने इतना लगाया था कि इंडियन टेक्सटाइल जो है वो इस कॉम्पिटिशन्स में ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाया और इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाया। अगर हम एक्सपोर्ट का फिगर देखें इंडिया में तो वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना चालू हो गया था कॉटन टेक्सटाइल का। 1800 में 30% कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हुआ करते थे जो 15 सालों में 1815 तक 15% तक गिर गए और आने वाले कुछ डेकेड्स में जैसे कि 1870 तक आते आते ये 3% तक चला गया एक्सपोर्ट का। तो इंडियन एक्सपोर्ट क्या सही में बहुत ज़्यादा गिर गया था, ये ड्रामेटिकली स्टोरी है। हाँ, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है वो तो धीरे धीरे जा कर के डिक्रीज हो गए पर रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 1812 से 1870 के बीच में जो रॉ कॉटन था उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई क्योंकि कॉटन जो है वो ब्रिटिश यूरोप में नहीं उगाया जा सकता था, वो बहुत कम था, तो वो इंडिया से मंगाया करते थे कॉटन को। तो वो 5% से बढ़ करके 35% तक हो गई। इंडिगो भी जो कपड़ा रंगने की कलरिंग है वो भी एक्सपोर्ट बड़े मात्रा में होने लगा यूरोप के मार्केट में। ठीक है, इसके साथ साथ ओपियम मतलब अफीम जो है वो चाइना में 1820 तक बड़े पैमाने में इंडिया में उगा करके वहाँ बेचा जाने लगा। इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी है 9th में, ओपियम वॉर जो चाइना और यूरोप के बीच में हुआ था। तो ब्रिटेन के जो ओपियम एक्सपोर्ट थे वो कई सालों तक वहाँ गए और उससे पैसा भी कमाया गया, पर जैसे ही ये वार हुआ तो फिर ये चीज़ें ख़त्म हो गई। वैसे टी और अदर इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स भी चाइना से हुआ करता था, इसके बदले में टी है और अदर जो इम्पोर्टेंट गुड्स है चाइना से लिया जाता था ओपियम दे करके। ओके, 19th सेंचुरी में ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स थे उसकी तो बाढ़ सी आ गई इंडिया के मार्केट में। फूड ग्रेन रॉ मटेरियल्स इंडिया से ब्रिटेन एक्सपोर्ट हुआ करते थे और बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में, और द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश जो एक्सपोर्ट इन इंडिया इज मच हायर देन द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है वो बहुत बाहर कम जाया करते थे बल्कि ब्रिटिश से बने हुए जो प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में ज़्यादा आया करते थे। इसे अगर कॉमर्स की भाषा में कहा जाए या ट्रेड की भाषा में कहा जाए तो ट्रेड सरप्लस कहा जाएगा, क्योंकि ट्रेड सरप्लस इस कारण कि ब्रिटेन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहता था इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स बेच करके अदर कंट्री के मुकाबले में। ठीक है, ओके, ट्रस्ट ट्रेड सरप्लस मतलब इंडिया से कम माल बाहर जाया करता था और ब्रिटेन से ज़्यादा माल आया करता था, इसके कारण इंडिया जो है डेब्ट में आता गया और इसका फ़ायदा ब्रिटेन को होने लगा, ब्रिटेन ज़्यादा फ़ायदा यानी प्रॉफिट कमाने लगा, सरप्लस कमाने लगा। अदर कंट्रीज़ में भी वो अपने माल बेचा करता था और उसे उतना फ़ायदा नहीं होता था जितना इंडिया में होता था। इसको मल्टीलेटरल सेटलमेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता है क्योंकि दूसरे कंट्री में हुए नुकसान की भरपाई वो थर्ड कंट्री जैसे कि इंडिया के हुए सरप्लस कमाई से कर लिया करता था। मतलब बाकी देशों में ब्रिटिश के गुड्स की इतनी डिमांड नहीं थी तो वहाँ उसको नुकसान होता था, लेकिन उस नुकसान का भरपाई वो इंडिया में अपने मनमाने तौर पर सामानों को बेच करके वो कर लिया करता था। ब्रिटेन के इस बैलेंस डिफेक्ट्स को इंडिया में एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले किया लेट 19th सेंचुरी में वर्ल्ड इकोनॉमिक में। तो ब्रिटेन के जो ट्रेडर थे वो ज़्यादा फायदा पहुंचाने के लिए अपने होम चार्जर्स को इंडिया को ज़्यादा एक्सपोर्ट के मतलब इंडिया ब्रिटेन का माल इंडिया में यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। ब्रिटिश ऑफिशियल और जो ट्रेडर थे उनको इंटरेस्ट पेमेंट मिलता था जितना माल वे इंडिया में बिकवाया करते थे, इसके कारण उन्हें पेंशन
और अदर फैसिलिटीज ब्रिटिश इंडिया के द्वारा मिलता था। ओके तो होप आपको आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।